परं ब्रह्मा पीड्यो कुबलयो दलो तो फुल्ल नयन निवासे नीलाद्र निहित चरण अनंत शिरसी रसानंदो राधा सरसव पुरा आलिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे। स्नान यात्रा परे परंपरा अनुसारे अनवसर विधि मुख्यतः रथयात्रार ये प्रसिद्ध पार्वणर जिते विधि व नियम अच्छी ताकु छ भागरे विभक्त कर दिया जाए। प्रथम यात्रा स्नान यात्रा, द्वितीय यात्रा अनवसर, तृतीय यात्रा श्रीगुंडीचा, चतुर्थ आरप पर्व, पंचम बाहुड़ा, षष्ठ नीलाद्रिविजय। सुनावेश 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 एकादशी 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 आम उच्चारण करचे चित्कार करचे किंतु ताधेरे कार्य ना। रथयात्रा विधि हूँ ये छठ। प्रथम हूँ स्नान यात्रा, ये छाक षडांग संस्कार कहा जाए। आम शरीर भितर छटा चक्र अच्छी मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत आज्ञा विशुद्धि। जमती ये छटा चक्र अनुसार बड़दाण्डर छटी अवस्थान अच्छी भगवान खड़ा कहा जाए, रथ खड़ा, महाखड़ा, आड़प खड़ा इत्यादि, गुंडीचा खड़ा इत्यादि छटा खड़ा। आम शरीर भितर छटी भल जिनस अच्छी, छटी मंद जिनस अच्छी। छटी भल जिनस कौन? शौर्य, वीर्य, औदार्य, गांभीर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य। छटा खराब जिनस कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य। ये सबू छर समाहार। तेणु मनीष जेतेबेले सरी जाए, ता जीवन काल सरी जाए, जीवनव्यापी साधना सरी जाए, ये संसार रू बाय बाय निए, अव्याहति निए, छ खंडी काठ रे ताकु निया जाए। पांच हबनि कि सात हबनि, छ खंडी काठ हेबो त देह जोड़ा। प्राक्तन कविमानकर मुग्ध मधुर वाणी आमर कर्ण कुवर रे अनवरत बाजु थाए, छ खंडी काठ हेबो तो देह लोड़ा, तो देह गड़ा, तो देह जोड़ा, छटी काठ। ये षडांग विधि रे मुख्य हूँ स्नान यात्रा। स्नान यात्रा पुणी आठ भाग विभक्त, अष्टांग विधि बोली कहा जाए। योग जमी अष्टांग साधन, प्रणाम कला बेले जिते साष्टांग कहा जाए, आठटी अंग तले लगे, अष्टांग विधि अष्ट सिद्धि ये आठटी पद्धति यार अच्छे। प्रथम हूँ स्नान यात्रा, प्रथम रु चौठी होम, तापर स्नान यात्रा महति ज्येष्ठा स्नान हम। स्नान यात्रा चौठी होम पर जलाधिवास, जल जो गाधवापी प्रभु शहे आठ गड़े जल आस, जलाधिवास, सुवर्णकूप संस्कार, बेदी को पहंडी, देवस्नान, गणपति बेश, भोग अनवसर, आठटा विधि। प्रथम हूँ चौठी होम। चौठी होम कौन? यार चारिदिन पूर्वर एकादशी तिथि ज्येष्ठ मास शुक्लपक्षी पक्ष एकादशी तिथि जगन्नाथ शुभ विवाह जयंती उत्सव हुए, बाहर जयंती उत्सव पालन करा जाए, ठीक बाहर भलिया। माँ रुक्मिणी भीष्म राजनंदिनी लिखिए पत्र, प्रणय पत्र, प्रेम पत्र, श्रीमद भागवत महापुराणर प्रसिद्ध वाक्य मानक भितर सात श्लोक प्रणय श्लोक प्रसिद्धि रही। प्रतिनित्य जे पाठ कर झी हो पु हो बह आ सुंदर जगार सुषम भल भाव सुषमाहित होता है। माँ रुक्मिणी प्रणय पत्र, यही प्रणय पत्र पर प्रभु जीवे बह करेंगे। बह कर सारापर युद्ध आरंभ हो, क्या क्या भितर शिशुपाल सहित, शिशुपाल हारपर बह कार्य सरला। बह कार्य जो सरीज चौठी होम बाकी थी
ता पर दिन प्रवेश करिवे मंदिर भितर किए से ता पर दिन होची द्वादशी, द्वादशी होची चंपक द्वादशी, गुआली यात्रा, स्वामी स्त्री जगन्नाथ बा कृष्ण रुक्मिणी तार तो जगन्नाथ और लक्ष्मी ठाकुराणी ये परिक्रमा करिवे राजनगर जिवे जम्बेश्वर भगवान पाक जिवे इत्यादि तापर कौन हम तापर ये विधि सरीगला पर चौठी होम बाकी थी देव दैतापति मैंने पशु स्नान यात्रा आरंभ हो तेना चौठी होम हो न गईंठा खोल न पुह झी बाहर बेले जो गईंठा पड़ी था सीटा खोला ही नथिबो सेमती ही थिबो से चौठी होम से दिन रात कौद रात पूर्व रात चतुर्दशी रात स्नानपुण्य पूर्व रात चौठी होम हम तापर जलाधिवास शहे आठ घरा ताम्र घट बा रौप्य घट जगन्नाथ पैंतीस बलभद्र तेतीस सुभद्रा बैश सुदर्शन अठर शहे आठ घट जलाधिवास हम कौ आसो सम्मानित भाव उत्तर द्वार पटे जगन्नाथ चारिटा द्वार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पटे जोड़िए सिंह पश्चिम पटे जोड़िए बाघ उत्तर पटे जोड़िए हाथी दक्षिण पटे जोड़िए घोड़ा उत्तर द्वार जो पटे हाथी अच्छा से हीपटे माँ शीतला भगवती जलर मान वर्ण हूँ जलर प्रकृति हूँ जलर नियम हूँ कौन ना शीत मान शीतलता प्रदान करवा तेणु जगिता माँ शीतला सदा बेले चंदन प्रलेप भितर माँ रही था सुवर्णकूप रही थाए सुनाकूप सीट रही थाए ताको सुना गोसाई मठ तत्वावधान से रही थाए सुवर्णकूप पूर्व दिन समस्त तीर्थ मान को आह्वान कर सुवर्णकूप भितर रखा जाए तादूर शहे आठ गरार जल अणा जा अधिवास हुए जलाधिवास बोली कहगला जलाधिवास पर कौन हम सुवर्णकूप संस्कार सुवर्ण घट जो अच्छी सुवर्णकूप कूप को संस्कार कर पंडित माने जिवे श्रीमंदिर पुरोहित माने आचार्य माने जिवे पूजा पंडा इत्यादि सम्मित सम्मिलित भाव में क्या करा सुवर्णकूप संस्कार हम एवं तापर सुवर्णकूप संस्कार होगा राति पाई अवस्था बेदी को पहुँ आरंभ हो कौ बेदी मंदिर भितर अठरटा बेदी अच्छी प्रसिद्ध बेदी अच्छी स्नान बेदी ताकू बेदी कह जाए मंडप कहुए स्नान मंडप बा बेदी को कह मंडप बा बेदी ये बेदी कहले एक ठीक बेदी कह जाए दृष्टि तार ऊपर छाउणी ना बेदी ये स्नान बेदी को भगवान आसवे कौटू आसवे रत्न बेदी रु स्नान बेदी रत्न बेदी रु भगवान स्नान बेदी को आसवे पड़ेगी ये चतुर्थ पंचम है देवस्नान जगन्नाथ महाप्रभु पाखे स्नान यात्रा आरंभ हम षोड़श उपचार जल को षोड़श उपचार पूजा करोड़श उपचार पूजा हम सम्मान सहित घट कलश प्रभु आगे थुआ हे जगन्नाथ सामने पैंतीस बलभद्र सामने तेतीस सुभद्रा सामने बैश सुदर्शन सामने अठर ये घट आलती बंदापना पूर्वर समस्त मंदिर प्रमुख पुरोहित महाजन पुष्पाक सुआर मान सेवक मैने कौन करुवे ना सामने ठिया होते षोड़शोपचार पूजा चल पूजा पंडा पूजा करुवे ऊपर छत्र काल काहाली धरा हो विजय काहाली बाजू थो चमर आलट बर्षि जाऊ प्रभुं षोड़शोपचार पूजा हो सारा जगत चाहिए थो पुअर गोटे खोला जगार शून्य जगार कौटे आयतन ना निरवय स्थान शून्य मंडल बेदी पर भोग से दिन आरंभ हम जो भोग मानने जल जलाधिवास जलपूजन हम जलपूजन पर स्नान प्रभु श्रीअंगर स्नान कर स्नान देव स्नान कर सारापर प्रभुकर सरीगला संस्कार होगला संस्कार पर बेश बेश हूँ गणपति बेश गणपति बेश गणपति बेश गणपति भट्ट नाम जन भक्त आसते से भक्त महोदय पुरी को आसिले कहला गणपति हूँ मोर सर्वस्व गणपति भगवान कौ जगार जीवंत अच्छे देखापी शास्त्र पढ़ु जान लें कलीयुगर धाम माम जगन्नाथ से जगह अच्छा गणेश जगन्नाथ गणेश रूप से अच्छा मो गणेश से ब्रह्म रूप से विराजमान कराऊँच बुलूं चाहूं कथा कौन डाकिले ओ कर इत्यादि जीवंत स्वरूप आसी देखीदे ये मंदिर चारिपटे अनेक छोट बड़ गणेश अच्छा कार लुगा खसीगले किए डिया डी कर मान हाथ गोड़ भांगीगले कार रूप कौन अच्छी खाया पीया कि ना फुलमा दि जाऊँ गाधुआ गाधी किसी ना मंदिर अच्छी बाना ना अद्भुत रूप देखे ये मो जगन्नाथ ये मो गणेश नुह जो जगन्नाथ रूप से पूजा पाँचा देखे गोटे खंडिया हाथ हाथ अच्छी पापुली ना देह अच्छी गोड़ ना पेटटा ग्लोब भाया गोटे विराट ग्लोब भाया पृथ्वी आकार तर पृथ्वी पृथ्वीर आकार भाया पाद दुईटा मुह अच्छी दात ना नाक अच्छी पुड़ा ना मुह अच्छी आखि ना
मुह अच्छी कान ना ये गोटे दि आखिटा अच्छे का सागर मिशुनाई ना ये मुझे दिव न कही पलिगले अठर नला पाखे प्रभु जा पहुँचल पाखे पहुँच जा पचारे कहे कुआर आस कुआर चली जाऊ ना आसते देखापी मो गणपति नुहत ना आसंता का देख पूर्णमी पूर्णमी पूर्णता थाए पूर्णमी सफल कम लोक होता है आत्मकाम पूर्ण काम होता है पूर्णमी दर्शन कले भगवान संपूर्ण अवयव सुनावेश दर्शन कर जीव कृतार्थ होता है तुम आसंता का देख आसी देख तुलसीदास आसी आसी से ही पूर्णमी पौषमास पूर्णमी दर्शन करदे राम रूप से तुम आस देख कल गणेश पटे देख आ बाहर देख भितर जा दरकार नहीं तुमको डाकी 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 प्रभु बाहर को पलि ज्येष्ठ मास पूर्णमी जितेबाला पलि आसती प्रत्यागमन करती सिंहद्वार सम्मुखें पहुँचला बेलू देखिले देवस्नान उत्सव पालन होवस्नान कौन देवस्नान कौन स्नान बेदी में जो मूर्ति की देखी थे पूर्व दिन से मूर्ति की देखिले एवं से मूर्ति बड़ा विचित्र रूप में विराजमान कर गोटे कला गणेश आ गए धला गणेश हाथी बेश बोली कह जाए कला गणेश जगन्नाथ होती धला गणेश बलभद्र होती कृतकृत्य होगले विनायक विघ्न राज विघ्न विनाशनम दारु ब्रह्म स्वरूप हे श्रीनीलकंदरम भक्तानां मुख्यदायक गजवक्त्रधरम नमो नम जगन्नाथ गजानन ब्रह्म तुम्हें कौन नई पार तुम जगतर नाथ जगन्नाथ सारा जगतर अनाथर नाथ तुम स्वतंत्र स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र तुम जहा चाह ताहापार तुम जगन्नाथ मोर गणनाथ हो गल तुम कृतकृत्य ही प्रणाम कले आज दिन गणपति बेश दर्शन करवा प्रसिद्ध कथा यार तात्विक आलोचना कले यह जना पड़े जगन्नाथ द्वादश यात्रा प्रथम यात्रा हूँ स्नान यात्रा पर जगन्नाथ महाप्रभु प्रसिद्ध पर्व गुप्त सावर पूजा बोली कह जाए अनवसर पूजा गणेश जेहेतु प्रत्येक यज्ञ कार्य आग पूजा पाती ये द्वादश यात्रा प्रथम आद्य पर्व गणपति रूप से विराजमान कर भगवान समस्त को मंगल समस्त मंगल हो यही कामना करी निजे बाहर को आसी दर्शन दियाई भगवान समस्त को कृतार्थ करते यज्ञ आरंभे तोर पूजा उतरी कंठे राग राजा तेणु गणपति बा गणेश उपासना प्रथम आद्य उपासना रूप से प्रफुजित होती भगवान राति रे गणपति बेश सरला भगवान को भोग महाप्रसाद भोग गोटे मात्र भोग तापर राति रे संध्या धूप सारी भगवान प्रत्यागमन करते रत्न सिंहासन को विजय हूँ रत्न सिंहासन विजय हेल्ले जो सिंहासन को विजय हवा कथा से जाती अणसर पिंडी रहा से अणसर पिंडी गोटे काष्ठासन पट्टी बंधा जाए हूँ अनवसर पट्टी से अणसर पट्टी भगवान तीन बाड़े तीन दिन शोबे नृसिंहम राम कृष्णम च श्रीभू भद्रा स्वरूपिणी कृष्ण नारायणे तानी सप्तावरण विग्रह ये सातटी जाक विग्रह सप्तावरण विग्रह शुंति केमी केमी रूप से बलभद्र स्थान किए रे तीन मूर्ति किए किए नृसिंह बलराम आउ कृष्ण तीन जगन्नाथ बाड़े दुई जगन्नाथ नारायण बा मदन मोहन तीन दुई पाँच सुभद्रा बाड़े श्रीदेवी आउ भूदेवी दुई सात जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन दशा तार हूँ दशावतार पट्टी ए दशावतार पट्टी अणसर से पूजा पाए मंदिर भितर जगन्नाथ से दिनठू भितर को पलिगला आम लोक कथार कहले जेहेतु शहे आठ गरा पाने तिंती आम जब बारंबार बारंबार पाने तिंती ज्वर हे तेणु जगन्नाथ शहे आठ गरा पाने तिंतिले खाली से नुहता पूर्व बयालीस दिन काल चंदन लगी स्नान यात्रा आरंभ हो स्नान बुड़ी कर पाने अच्छा अतएव ये देव विग्रह श्री विग्रह अपौरुषेय दारु विग्रह को ज्वर हो जाए अंगरे ज्वर प्रवेश करुवा हेतु पंदर दिन काल प्रभु ज्वर से सड़ुवा हेतु दर्शन करेंगे ना कहीं दर्शन करेंगे ना कौन कहला शास्त्र स्वरूपम बा अरूपम बा स्वरूप हो कि अरूप हो न पश्यत पंचदशाहनी पंदर दिन काल कहीं दर्शन करेंगे ना से अणसर पट्टी पछपटे
वास्तविक ज्ञान हूँ अनवसर। अनसर बहुत ना अच्छे अनवसर निरोधन गृह कृत्य। अनवसर अर्थ होला न अवसर, ये अवसर न थाए। आगरे प्रतिमा विग्रह दशमूर्ति एवं ताटी दशावतार ताटी बा पट्टी ता पछपटे दारू विग्रह सोईकर थे जर्रे सढ़ीकर थे मुहर कपड़ा घोड़ी आई जाइए दशावतार पट्टी मुहरें गीतगोविंद खंडुआ घोड़ी आई जाइए भगवान आमूल चोल संपूर्ण घोड़ी शोबे ता भितर को केवल दैतापति मैंने प्रवेश करेंगे आई जी ना केवल दैतापति मैंने रातिर विलंबित प्रहर में प्रभु अंग सेवा करने अन्य कौन सेवक जी ना एपट रही सेवक मान भितर केवल पति महापात्र सेवक मान तरफ जीवे जी तर दैतापति निजर सभापति सी जी अन्य एपटे बाहर रूजा करेंगे ये है पट्टी पट्टी दिवर संस्कार बाहर दशावतार पट्टी भितर पूजा बाहर पूजा अवसर न था पूजा रे जोटी अवसर पूजा न था ना हो अनवसर। निरोधन गृह कृत्य प्रभु से घर निरोधित ही रही था अवरोधित ही रही था से घर आउ क्या छाड़ती ना ज्वर ही था आप ज्वर है बेले क्या भेट पारती किए आप भेट पारे ना अतएव ज्वर से प्रभु रही था तर निरोधन गृह कृत्य कह जाए जान गुप्त शाबर पूजा साबरीय संस्कृतिर गोपन पूजा जोटी मंत्र फेल मारी जाए मनीष बोली दिह को मान चिंता करा जाए देव विग्रह मानव रूप से आसंती विचार करा जाए मनीषर सेवा कला भलिया साबरीय संस्कृतिर पद्धति रे दैतापति सेवक मान बाड़ग्राही मान सहित जाई भितर प्रभु पाखे सेवा करती छेनापणा भोग करती जमी पथी पांचण दि जाए ताकि रखती ये अनवसर गृहर लीला। अनवसर गृहर लीला तो आदि ना कि अंत ना एक विशाल पद्धति ए संपर्क तो आगे आम आलोचना करवा जमी अनंत सगर क्षय ना कि वृद्धि ना विशाल समुद्र क्षय ना कि वृद्धि ना अनंत आकाशर आदि ना कि अंत ना सेमती कथ आरंभ ना कि शेष ना या पछाड़े कौन रही रहस्य कहीं अनवसर कराए अनवसर आसी किए किए कौन कष्ट से संपर्क में आसतु आलोचना करवा आज अनवसर गृहर तत्वपूर्ण कथ आपण आगे मुझन करी कृतार्थ हलु आपड़ शुणुंट आम अनुगृहित आपन को धन्यवाद जगन्नाथ कृपा प्राप्त हूँ जय जगन्नाथ।